एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन में हमें कहा गया है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, हमें मतलब कि एक फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें उसके स्पेसिफिक किसी वैल्यू पे उसकी वैल्यूज आउटपुट फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब कि ए पार्ट उसका है क्वेश्चन नंबर वन का कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, और हमें कहा गया है फर्स्ट पार्ट में इसके कि आपने फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस टू। सही है, तो एफ ऑफ माइनस टू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस टू को अगर कंपेयर करें, यहाँ पर एक्स की जगह क्या है माइनस टू है। ठीक है, मतलब कि इनपुट हमने क्या करनी है फंक्शन में, माइनस टू की करनी है। तो एफ ऑफ माइनस टू हम इसमें पुट करते हैं, एक्स की जगह माइनस टू पुट करते हैं। ठीक है, इनपुट करते हैं इस फंक्शन में, तो एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, माइनस टू पुट किया। तो जहाँ जहाँ इसमें एक्स है वहाँ वहाँ माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स का स्क्वेयर है तो ये माइनस टू का स्क्वेयर हो जाएगा, उसके बाद माइनस है और फिर एक्स है, एक्स की जगह माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ माइनस टू आ चुका है। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर लेंगे एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वेयर इज फोर और माइनस माइनस प्लस टू, ठीक है, इज इक्वल टू सिक्स आ गया। एफ ऑफ माइनस टू मतलब कि एफ ऑफ माइनस टू मतलब जब हम इनपुट माइनस टू दे रहे हैं इस फंक्शन को, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, सिक्स आ रही है। सही है, तो ये हमने एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह से इस फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट बी है, उसमें भी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस फोर। सही, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और इसके भी बाकी पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4। तो इसमें से मैं थर्ड पार्ट करता हूँ। थर्ड पार्ट में हमने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन की। सही है, मतलब कि इनपुट में हमने एक्स माइनस वन देना है इस फंक्शन को, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी वो हमें फाइंड करना है। तो इस फंक्शन को हम इनपुट में एक्स माइनस वन देते हैं, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन। सही, और प्लस फोर उसी तरह से। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स माइनस वन प्लस फोर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। सही, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स माइनस वन की। ठीक है, हमने इनपुट में इस फंक्शन को, इनपुट में इनपुट क्या है, एक्स है। ठीक है, इनपुट में हमने एक्स माइनस वन दिया। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट क्या मिली, अंडर रूट एक्स प्लस थ्री। तो इसी तरह से बाकी इसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर फोर भी मैं कर देता हूँ। पार्ट नंबर फोर में हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, उसी फंक्शन का जो है, उसी फंक्शन में हमने इनपुट देनी है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो हमारे पास आउटपुट क्या बनेगी वो हमें फाइंड करना है। तो उसमें इनपुट करते हैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर। सही है, ये एक्स की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर, अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली किसकी, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर की। ठीक है, इनपुट में हमने इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस फोर दिया और हमें आउटपुट में क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए। इसके बाकी पार्ट्स जो हैं ए और बी के चारों पार्ट्स, ठीक है, वो आप खुद से ट्राई करें, बिल्कुल सेम इसी तरह से सिंपल आप खुद से ये ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में हमें कहा गया है कि फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, जबकि आपको फंक्शन गिवन है। ठीक है, फंक्शन पार्ट वन में फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
सिक्स एक्स माइनस नाइन, ठीक है। ये फंक्शन आपको गिवन है और आपने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखें फंक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। एक ये वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच, एक है एफ ऑफ ए, ये दोनों हम अलग-अलग से फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसमें पुट कर देंगे और हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच इज़ इक्वल टू, इनपुट में क्या दे रहे हैं हम, ए प्लस एच, ठीक है, इस फंक्शन को। तो एक्स की जगह ए प्लस एच आया, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस एच माइनस नाइन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिक्स ए प्लस सिक्स एच माइनस नाइन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू। इसी तरह से एफ ऑफ ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू, इनपुट में हम क्या देंगे इस फंक्शन को, ए, ठीक है, ये ए आ रहा है इनपुट में। तो एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एक्स की का ए आ जाएगा, ये बन जाएगा सिक्स ए माइनस नाइन, ठीक है, ये एफ ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई। अब उसमें पुट कर देते हैं, इसमें एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच किसके बराबर है, सिक्स ए प्लस सिक्स एच माइनस नाइन के, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, सिक्स ए माइनस नाइन, ठीक है, सिक्स ए माइनस नाइन, ये होगी एफ ऑफ ए की वैल्यू, डिवाइडेड बाई क्या है, एच, डिवाइडेड बाई एच, ये होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिक्स ए प्लस सिक्स एच माइनस नाइन माइनस सिक्स ए प्लस नाइन, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एच। अच्छा, अब इसमें देखें, ये सिक्स ए पॉजिटिव है, ये सिक्स ए नेगेटिव है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सही है, और ये भी प्लस, ये प्लस नाइन है और ये माइनस नाइन है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचा, सिक्स एच डिवाइडेड बाई एच, सही है, तो ये आ जाएगा सिक्स एच डिवाइडेड बाई एच। अच्छा, अब एच एच से कैंसिल हो सकता है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, डिवाइड हो रहे हैं आपस में, सही है, तो इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, सिक्स, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू है, सही, जो कि वैल्यू है सिक्स, यही हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन मैंने सॉल्व किया, सही, तो इसके बाकी पार्ट भी आप खुद से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड यूज़ होगा, ठीक है, इनपुट में हम इसी तरह से ए प्लस एच देंगे, फिर ए देंगे और फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट ए है कि पैरामीटर एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, ठीक है, पैरामीटर को हमने एरिया के फंक्शन में लिखना है, मतलब कि पैरामीटर का हमने फंक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ एरिया, सही है, तो वो हम देखते हैं किस तरह देखते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। पहले तो हम ये देखते हैं, एक स्क्वायर है, ठीक है, ये लेट्स सपोज ये एक स्क्वायर है, इसका पैरामीटर क्या बनेगा, चारों साइडों की लेंथ को सम कर दिया जाए तो पैरामीटर का एक स्क्वायर का पैरामीटर बन जाता है, ठीक है, तो लेंथ लेट्स सपोज एक्स जो है वो लेंथ है, ठीक है, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होंगी तो हम कह देते हैं लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, सही है, तो पैरामीटर क्या बन जाएगा, पैरामीटर किसके बराबर होता है, चारों साइडों की लेंथ के सम के, ठीक है, मतलब एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स जो कि फोर एक्स बन जाएगा, सही है, तो ये पैरामीटर बन गया। अब साथ में एरिया भी हम देख लेते हैं, एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू, एरिया स्क्वायर का क्या होता है, किसी भी दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, सही है, तो पैरामीटर को हम पी से डिनोट करते हैं, एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पी इज इक्वल टू फोर एक्स एंड ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही है। अच्छा, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने पैरामीटर को
इन टर्म्स ऑफ एरिया लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ लेंथ है, ठीक है, एक्स है, तो एक्स की जगह एरिया की कोई फॉर्म आनी चाहिए, मतलब कि ए की कोई फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ से देखें हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए। तो यहाँ से हम कह देते हैं कि एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए हो सकता है, ठीक है, दोनों साइड पर स्क्वेयर लिया जाए, स्क्वेयर रूट ले लिया जाए तो ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वेयर रूट ए बन जाएगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बन जाएगा। तो अब ये देखें, ये बन गई एक्स की वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू का हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, पुटिंग इन दिस इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पी इज इक्वल टू फोर अंडर रूट ए, ठीक है। तो ये जो फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, ये कौन सा फंक्शन है, पैरामीटर का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एरिया, सही है। तो यही हमने फाइंड करना था कि द पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में क्या है कि हमें कहा गया है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक है, मतलब कि एक सर्कल है, उसके एरिया, उसका रेडियस जो है वो आर हम लेट सपोज कर लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं इस सर्कल का एरिया रेडियस जो है वो आर है, ठीक है, एरिया जो है वो ए होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने इस एरिया को देखें, ये किसके फंक्शन में है, ठीक है, एरिया का फंक्शन हमने लिखा है इन फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो हमें तो लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस हम किस तरह से लिखेंगे, पहले सर्कमफेरेंस देख लेते हैं कि इस सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है टू पाई आर के बराबर, सही है। तो अब ये देखें, यहाँ से हम इस आर की जगह सी की कोई टर्म आनी चाहिए, ठीक है, सर्कमफेरेंस की कोई टर्म आनी चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सी आर की वैल्यू, ठीक है, इस इक्वेशन से। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय टू पाई। अगर ये आर हम पुट कर दें आर की वैल्यू इसमें, तो हमारे पास जो है एरिया का फंक्शन बनेगा इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं, तो पुटिंग आर इज इक्वल टू सी बाय टू पाई इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन वन कह देते हैं, इन इक्वेशन वन, सही है। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा पाए, आर की जगह आ जाएगा सी बाय टू पाई का स्क्वायर, सही है। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ये बनेगा पाए इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर पाई स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल होके आ जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई, ठीक है। ए इज इक्वल टू बन गया, ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई, ठीक है। ये है, हमने एक्सप्रेस कर दिया एरिया ऑफ सर्कल को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, सही है। तो यही हमने इसमें फाइंड करना था इस पार्ट में। इसी तरह से हम सी पर जाते हैं। पार्ट सी में हमें क्या कहा गया, इसी क्वेश्चन का पार्ट सी है, एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस, ठीक है। एक क्यूब है, उसके हमने वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स बेस एरिया, ठीक है, बेस का एरिया के इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ बेस ऑफ दैट क्यूब हमने जो है उसको एक्सप्रेस करना है वॉल्यूम को। तो वो किस तरह से होगा कि हम कहते हैं कि एक क्यूब है, ठीक है, उसकी लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एक क्यूब है, इस तरह से होगा, ये एक क्यूब है, सही है। तो इसमें हमने क्या कर लिया कि लेंथ को एक्सपोज कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम का क्या फार्मूला बनेगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है उसकी तीनों हाइट लेंथ और
उसकी जो है विड्थ, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो लेंथ विड्थ और हाइट तीनों एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो उसका एक्स क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। सही है, तो इसी तरह से अगर बेस को देखा जाए, इस क्यूब की बेस क्या बनती है, इस तरह से नीचे बेस होगी इस क्यूब की, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है एक्स है और विड्थ भी एक्स है, तो फिर उसका एरिया क्या बन जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एक्स के, एरिया ऑफ इट्स बेस इज इक्वल टू एक्स के। सही है, वॉल्यूम ऑफ होल क्यूब इज एक्स क्यूब एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज एक्स के। सही है, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, चारों साइड हैं एक्स हैं बेस की, तो एरिया ये बन गया। हमने एक्सप्रेस करना है वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की जगह ए की टर्म आनी चाहिए, कोई ए की कोई फॉर्म आनी चाहिए। सही है, तो ये जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है वॉल्यूम का इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ। सही है, एक्स एक्स जो है वो लेंथ है, तो इस वजह से ये फंक्शन है वॉल्यूम का इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो हमने इन टर्म्स ऑफ एरिया करना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बन जाएगा। सही है, तो ये वॉल्यूम में पुट कर देते हैं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इन इक्वेशन वन। सही है, ये इक्वेशन वन, इसको नाम दे देते हैं, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो एक्स वी इज इक्वल टू एक्स की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ए और उसका होल क्यूब। ठीक है, ये वो फंक्शन बन चुका है। ठीक है, एक्सप्रेशन हो चुकी है वॉल्यूम की इन टर्म्स ऑफ या एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।